नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं हजरतगंज क्षेत्र में, जहां पर लिवाना होटल में आज सुबह आग लग गई है। हम उसी होटल के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां पर आग लगी है। दमकल विभाग और रेस्क्यू की टीम लगातार यहां पर लोगों को निकालने का काम कर रही है। सुबह करीब 8:30 बजे यहां पर आग लगी है। फिलहाल अभी जो वजह बताई जा रही है आग लगने की, वह शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 12 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अभी आप तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, लगातार दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ हैं वह आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा और इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी घटनास्थल पर आ चुके हैं। लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस तरह से इस घटना के बाद लगातार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां पर आ चुके हैं और सर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो ये उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये लिवाना होटल के बाहर की तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी भी इस होटल के अंदर रेस्क्यू कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस लिवाना होटल की फायर एनओसी भी ठीक नहीं थी, तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जाँच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।